Catch, catch it! Catch! Hello, what's up guys? Welcome back to another vlog. तो गाइज आज हम आपको दिखाएंगे सीकरी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच. तो वहाँ पर क्या कंडीशन रहती है और क्या माहौल रहता है ग्राउंड पर, और देखते हैं किस तरीके का मैच होता है. फाइनल मैच है, कौन विनर बनता है, बुलेट किसके पास जाएगी, बुलेट बाइक के जो फाइनल में, सारा कुछ आपको दिखाएंगे. और गाइज वीडियो में बने रहना एंड तक. देख सकते हो आप, माहौल यहाँ पर फाइनल मैच है और ये दूसरी टीम आई हुई है यहाँ पर. ये प्लेयर्स हैं दूसरी टीम के. यहाँ पर अभी टॉस चुका और मैच चालू होने वाला है कुछ ही मिनट में. इनसे प्यार से कहा जा रहा है कि आप जो है ग्राउंड खाली कर दें, जो दोनों टीमों के मैच होने वाला है, ये प्लेयर है वो ग्राउंड में पहुंचे. जो थोड़ी देर बाद राष्ट्रीय गान के बाद मैच चालू कर दिया जाएगा. ये यहाँ पर आपको पिच दिखाते हैं, बैट वाली पिच पर खेलेंगे. प्लेयर्स के जो नाम है वो आप तक पहुंचा दें. टॉस के बाद राष्ट्रीय गान के बाद मैच शुरू किया जाएगा. और सारे दर्शकों से अनुरोध है, जी हाँ, दोनों ही आज हमारे जो इनाम है, दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम सीडी डिलेक्स एक चमचमाती गाड़ी हमारे सामने आ चुकी है, और जो फर्स्ट विजेता है एक बुलेट रॉयल इनफील्ड वो हमारे बीच में आ चुकी है. आप दर्शकों को इसका
जी हाँ, दोनों ही जो टीमें हैं और जो दर्शक हैं ये अंदर जाते हैं। जो फाइनल में दो गाड़ियां हैं बुलेट और मर्सिडीज बाइक देखो घूम रही है ग्राउंड में। उधर आप देख सकते हो ये दोनों फाइनलिस्ट को मिलने वाली है फर्स्ट और सेकंड विनर के लिए। तो गाइस आपको दिखाते हैं अब। और ताहिर जमा से तो गाइस ये दो बाइक्स हैं फाइनलिस्ट के लिए बुलेट एंड सीट डिलक्स। गाइस यहाँ पर पुलिस पड़ चुकी है पत्तेबाजों के पीछे, पत्तियाँ खेल रहे थे यहाँ पर ये। अरे ये पत्ती खेल रहा, पुलिस भागी पुलिस पड़ गई इनके पीछे। तो गाइस जब राष्ट्रगान बुलेगा, राष्ट्रगान भी होगा यहाँ पर, पूरे तरीके से यहाँ पर मैचेस कराए जा रहे हैं। आमिर कुमार झूठ बोला है, मैं झूठ लगा रहे छोटा कौन सा पर पढ़ लो बिल्डिंग में दीपक पूनिया खेल रहा यही
तो गाइस यहां पर एक इनिंग समाप्त हो चुकी है। 20 ओवर में 203 रन बनाए हैं और अब सेकेंड इनिंग स्टार्ट होगी। 20 ओवर में 203 रन, बहुत ही बड़ा स्कोर बनाया है अपनी टीम ने। और गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है आज इस मैच में, बहुत ज़्यादा। वही करूँ मैं आगे, वही ही करूँ आगे, मान लेने करूँ ही करूँ। तो गाइस अब दूसरी इनिंग स्टार्ट होने वाली है यहाँ पर, और माहौल बहुत ही शानदार माहौल है आज, भीड़ बहुत ज़्यादा है मैच के अंदर। तो गाइस यहाँ पर दर्शक बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ग्राउंड के अंदर, अब उनको निकाला जा रहा है ग्राउंड से बाहर। काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ मैदान में, अब इनको निकाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा दर्शक हो चुके हैं ग्राउंड के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है, इनको निकाला जा रहा है ग्राउंड से बाहर, बहुत ज़्यादा दर्शक है गाइस। पुलिस मार मार के निकाल रही है, पुलिस यहाँ पर लाठियों से मार मार कर इनको निकाल रही है। सेकंड लाइन भी लग चुकी है, सेकंड इनिंग स्टार्ट होने वाली है, खिलाड़ी ग्राउंड पर है। ये ज्यादा दर्शक नुकसान दे, इनमें दो तो तीन तीन दंड टिके नहीं, अपने आप खेल मरने चला जाए। ये सब जंग में आ गए, कांजो ना हट ना हट गए, जो हुआ आ गए फाइनल जीत चुकी है अपनी टीम, बुलेट अपने नाम हो चुकी है। और आपको यहाँ पर माहौल दिखाते हैं अभी, खड़े
कुछ क्षणों में जो मैच है कसम से मैं बनाऊं तेरी आई पुलिस प्रशासन लौड़ा पिट्ठा ना रही अड़तीस और आज भी 38 बनाए हुए हैं और यहाँ से आगे गेम नहीं लगा पाए थे। क्या कहिए भैया जी, आप जब तक मोहित खेल रहे थे उस टाइम तक ये लग रहा था मैच को कैसे एक तरफा कर देंगे, लेकिन उनके विकेट कहने के बाद ही उनका विकेट गिरने के बाद ही मैन ऑफ द सीरीज है छोटे 138 रन 12 विकेट, क्या कह रहे हैं ऑल राउंडिंग प्रदर्शन। और जो ये अपने मामा शाह जी आए हैं हमारे पैर रुक जा कौन सोयो स्वागत गिर जाएगी ओए मान जाने बैठ जान तू इनके लिए भी एक गजल मेरे दिमाग में कहा पकड़ जब बैठ यार तू कहां से पकड़ ला इनने भीड़ बना रहो हाँ भीड़ बना रहो युवा जब आगे आते हैं तो देश बढ़ता है और देश बढ़ता है युवाओं के साथ और देश बढ़ता है भाइयों के साथ। तो ये कमेंट्री पड़ेगी आपके सहयोग आपके और तीसरा से एक अनुरोध करूंगा कि अगली बार ये जो हमारा मंच जो आज टूटा है ये पक्का होना चाहिए और हरा घास होना चाहिए ग्राउंड के अंदर, ये मैं उनसे अनुरोध करूंगा। इसके बाद हम उनसे सलाह विमर्श भी करेंगे और उधर से हमारे चेयरमैन साहब और उधर भाई जी हमारे पास जो जुनेद जी बैठे हैं बहुत अच्छी कमेंट्री भी करते हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। जयकन खान जी के भाई साहब भी हमारे बीच बैठे हुए हैं और ठंडी से नजारा बोलो तुम्हारा पेड़ों